है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस है, तो उसको आज हम डिटेल में देखेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होता है वो उसके दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो आज हम जो पेपर टू है हमारा हिंदी साहित्य, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और दोनों ही पेपर वन और पेपर टू में 10 यूनिट हमारी होती हैं, और इन 10 यूनिट्स के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करना होता है। तो आइए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले दे रखी है फर्स्ट इकाई, तो ये है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें जो भी हिंदी भाषा और उसका विकास है उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक हैं, जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, और अपभ्रंश, अववट, पुरानी हिंदी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, और फिर भौगोलिक विस्तार भी दिया गया। हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी, इन सब को हमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें थोड़ा हमारा व्याकरण का भी टॉपिक दिया गया है, तो वो भी हमें कवर करना है, जैसे हिंदी भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्ण व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, सवर्नाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा और भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार माध्यम, और हिंदी कंप्यूटर, हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये सारे जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है सेकंड, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हमारी यूनिट है, क्योंकि इससे में हिंदी साहित्य का सारा इतिहास कवर होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, ऐतिहासिक दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, राष्ट्र साहित्य, आदिकालीन हिंदी, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, हिंदी कविता, विद्यापति तथा उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, और फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल के अंदर भी उसका उदय, इसके कारण, और इसमें कौन कौन सी ये काव्य धाराएं आई, निर्गुण, सगुण, ये सब इसमें हमें कवर करना है। उसके बाद आता है हमारा इसी के अंदर रीतिकाल। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तीनों इनके जो प्रवृत्तियाँ हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनको कवर करना है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल सारा ही हमें इसमें कवर करना है। हिंदी यहाँ से लेकर भारतेंदु एम हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इन सब को हमें कवर करना है। द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब को हमें डिटेल में कवर करना है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखें कि इसमें मेंशन किया गया है कि वर्ष 2000 तक का ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद का भी पूछा जाता है। उसके बाद है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाएं के अंदर उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सब को हमें कवर करना है। और इसके बाद ये हमारे छोटे जो टॉपिक हैं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, और हिंदी का प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य से भी हमारे क्वेश्चन एक दो कई बार हमारे बने हैं, तो ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट, साहित्य
शास्त्र साहित्य शास्त्र के अंदर काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। और उसके बाद है पाश्चात्य साहित्य, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु, अनुकरण, त्रासदी, विवेचन, विरेचन, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, कोलरिज की कल्पना और फैंटेसी, टीएस इलियट, आई ए रिचर्स और नई समीक्षा में तक फंताशी, कल्पना, प्रतीक और बिम, ये सारे हमें कवर करने हैं टॉपिक। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट यूनिट है, इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, द्विवेदी युगी हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सभी टॉपिक हमें कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी हिंदी कविता की। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी हिंदी की कविता है, इसमें 2019 से हमारा सिलेबस अपडेट किया गया था, यानी इसमें चेंज किया गया था। तो इसमें कविता जो हमारी हैं वो मेंशन कर दी गई हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो का रिवाता, टमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, विद्यापति की पदावली, और पदावली है जो संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा है, उनकी पद संख्या 1 से 25, कबीरदास की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी संपादक है उसकी पद संख्या 160 और 209 से, जायसी ग्रंथावली, सूरदास का भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है पद संख्या है 21 से 70, तुलसीदास का रामचरितमानस और उत्तरकांड, बिहारी सतसई गणानंद कवित मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत नवम सर्ग और जयशंकर प्रसाद का आंसू कामयानी के तीनों जो सर्ग हैं, सरदार लज्जा इला, तीनों को कवर करना है। निराला की है जो एक ही कली, जागो एक फिर बार, जागो फिर एक बार, सरोज समर्ति, राम की शक्ति पूजा, कुकर मुता, बांधो न नाव, इष्ठाओ बंधु। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि, ये सब हमें कवर करने हैं। महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ तुम्हारी, रागनी भी हूँ, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, तृतीय अंग रश्मि रथी, नागार्जुन की कालिदास, बादल को गिरते देखा है काल, और उसके बाद खुरदरी पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ, अज्ञे की है कल की, बाजरे की है दीप अकेला, हर हरी घास पर क्षण भर, और अशाध्य बिना, कितनी नाव में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत प्रोसे, सतपुड़ा के जंगल, नेक्स्ट है मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, नेक्स्ट है धूमिल नक्सलवाड़ी, मोचीराम अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें जो हमारी यूनिट है उनको कवर कर लिया है, हमारी 5 यूनिट्स का जो हमारा सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। तो जो बाकी की यूनिट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, उसका नाम है हमारा राम नेट GRF, उसमें PDF आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, से टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको PDF चाहिए है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।